नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल टेल ऑफ वंडर्स पे। आज हम विजिट करेंगे चिटकुल विलेज में। उससे पहले मैं आपको चिटकुल के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। चिटकुल विलेज, यह समुन्द्र तल की जो ऊंचाई है 3450 मीटर, इसकी समुन्द्र तल से इसकी ऊँचाई है, और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के बसपा नदी है उसके किनारे पर बसा सबसे ऊंचा गांव है। बसपा नदी के दाहिने तट पर बसे इस गांव में माथी नामक देवी है, उसके तीन बड़े मंदिर बने हुए हैं। माथी देवी के इन मंदिरों को 500 साल पहले गढ़वाल के ही एक निवासी ने बनवाया था। तो दोस्तों, अभी हम हैं चिटकुल विलेज में। आप ये देख सकते हो आइस स्नोफॉल यहाँ पे अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अभी हम गाड़ी लेकर चिटकुल विलेज में ही घूम रहे हैं। आप ये देख सकते हो रास्तों पर भी आइस यहाँ पर गिरी हुई है, और पहाड़ आइस की वाइट चद्दर से ढक गए हैं बिल्कुल। आप ये देख सकते हो, और ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये नदी आपको दिख रही है। ये नदी है, ये बसपा नदी है जो चिटकुल विलेज से होते हुए आगे तिब्बत बॉर्डर की तरफ चली जाती है। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, अभी तकरीबन -20 या 22 डिग्री टेम्परेचर है। और यह भारत का अंतिम गांव है, भारत तिब्बत का जो बॉर्डर है वहां का यह अंतिम गांव है। आप ये देख सकते हो भयंकर तरीके से यहां पर स्नोफॉल हो रहा है। अभी ये स्नोफॉल चल रहा है सुबह से, कल रात से ही हो रहा है। और यहाँ से जो तिब्बत बॉर्डर है वो तकरीबन 85 या 90 किलोमीटर है, और चिटकुल लास्ट विलेज है जहाँ तक लोग नॉर्मल लोग आ जा सकते हैं, और इससे आगे चिटकुल से आगे आना जाना सब लोगों का बंद है। और ये देख सकते हो ये होटल है, यहाँ पर हम ठहरे हुए थे, और ये क्या शानदार व्यू है। होटल तो पूरा इससे ढक ही गया। ये अभी मैं बाहर का आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए ऊपर से होटल के रूम से ये व्यू है। ये इतना स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हो बाहर आप जा ही नहीं सकते, पानी जम गया है अंदर, वॉशरूम का पानी जम गया है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर का जो लेवल है वो माइनस में 20 या 22 डिग्री चल रहा है। तो पानी तो नॉर्मल सी बात है जमना है। पता नहीं रास्ते भी खुलेंगे, पता नहीं, बोल रहे हैं 2 दिन तक तो और खुलेंगे भी नहीं, इतनी आइस हो रही है। ये 2 दिन से हो रही है, जब से हम आए तब से ये आइस हो रही है। और आप देख सकते हो ये कितना यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। ये पीछे का ये रोड दिख रहा है आपको, रास्ता दिख रहा है ना, ये जाता है तिब्बत सीमा पे, तिब्बत की तरफ ये रोड जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ये रोड जाता है तिब्बत की तरफ। ये होटल के बैक साइड का है, ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। और ये आप देख सकते हो क्या स्नोफॉल हो रहा है। और ये होटल का है, ये पार्किंग एरिया, आप देख सकते हो आइस से यहाँ पर कितनी आइस है। और ये गाड़ी खड़ी है पूरी, यहाँ गाड़ी सुबह तो आइस से पूरा ढकी गई थी, ये गाड़ी आई है यहाँ पर। गाड़ी यही 4x4 गाड़ी यहाँ पर चल सकती हैं, और नॉर्मल गाड़ी तो यहाँ पर स्कीडी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर जो रोड है, ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, ये तिब्बत की तरफ। ये बसपा नदी है, आपको दिखा रहा हूँ ये जो सामने दिख रही है, और ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम निकलते हैं तिब्बत बॉर्डर की तरफ, देखते हैं वहाँ पर अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये अभी हम जा रहे हैं तिब्बत सीमा की तरफ, बॉर्डर की तरफ। ये आप देख सकते हो गाड़ियों के आने जाने से थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, लेकिन सुबह तो बहुत ज़्यादा आइस थी। यहाँ से आगे 80 किलोमीटर और आगे बॉर्डर आ जाता है तिब्बत का, और नॉर्मल लोगों के लिए तो बंद है ही, इसलिए भारत का लास्ट गांव है, आगे तो कोई लोग रहते ही नहीं, इसलिए आगे का जो इलाका है वो भारत और तिब्बत की जो पुलिस है वो नियंत्रण करती है। आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल व्यू है, कश्मीर, आप मिनी कश्मीर आप इसको बोल सकते हो। आप ये देख सकते हो आइस के मौसम में तो बड़ा ही शानदार व्यू होता है यहाँ पे, कश्मीर से कम नहीं है। कभी मौका मिले तो लाइफ में ज़रूर आना, बहुत ही शानदार व्यू आपको मिलते हैं। ज़्यादा लोगों को यहाँ इसके बारे में, यहाँ के बारे में ज़्यादा लोगों को इतनी जानकारी भी है नहीं, पता नहीं, क्राउड इतना यहाँ पे होता नहीं, बिल्कुल शांत, ना ज़्यादा इतना महंगा होता, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और व्यू
शानदार है, अच्छा मौसम होता है, और एक बार तो लाइफ में अगर किसी को मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आना। अगर आपको चिटकुल घूमने आना है नॉर्मली, तो आप मार्च अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे घूमने आ सकते हो, क्योंकि यह टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पे मौसम साफ रहता है और ठंड भी इतनी नहीं होती, आप नॉर्मली लोग भी उसको सहन कर सकते हैं। अगर आपको दिसंबर या जनवरी में आना है तो यहाँ पर आपका जुगाड़ खुद करके लाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, आइस होती है, -40 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। जो हमने जो सर्वाइव किया है ना पिछले दो दिन, -20, -25 ऐसे टेम्परेचर है, हाथ आप बाहर नहीं निकाल सकते, पानी जम गया अंदर, या आप देख सकते हो आइस कैसे है, अंदर गीजर में पानी डालते हैं वो जम जाता है, ऊपर टंकी में पानी जम गया है, नीचे से पानी गरम गरम कर कर करके बाल्टी से लाना पड़ रहा है होटल वालों को। आप सोच सकते हो 20 या 22 डिग्री माइनस टेम्परेचर में क्या हालत होगी। और ये हमें वापस उन लोगों ने जाने नहीं दिया, वहाँ पर वहाँ से वापस कर दिया, तो अभी हमारा वापस हम जा रहे हैं होटल की तरफ। और होटल की तरफ आते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये बसपा रिवर है, मैंने आपको बताया था ये बसपा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, इसके घाटी जो बसपा घाटी बोलते हैं यहाँ के लोग इसको, ये जो रिवर है ये जाके आगे तिब्बत चाइना बॉर्डर से कनेक्ट हो जाती है। और उसके बाद हम थोड़ा सा उधर आउटर एरिया जो है थोड़ा हाइट पे, और वहाँ पर थोड़ा सा आगे ड्राइव करके गए, तो वहाँ पर भी एक ये पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी शानदार व्यू है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, चिटकुल विलेज पॉइंट बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल कर यहाँ पर हमें कुछ बच्चे मिलते हैं, ये बच्चे मैं आपको बताऊँ ये जुड़वा बच्चे हैं, और इनको हमें कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, इनको हमने खाने के लिए कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया। और ये अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जहाँ पे ये खड़े हैं ना, ये कोने पे खड़े हैं बिल्कुल पहाड़ी के, उसके दूसरी तरफ खाई है, और हमने इनको बोला कि डर नहीं लगता तुम लोगों को, तो बोलते हैं नहीं डरना किस बात का, हमें डर नहीं लगता। और इनके मम्मी पापा इनको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, इनको ना ठंड लगती ना इनको डर लगता और ना कभी ये बीमार होते। तो आपने देखा होगा ना, जिन बच्चों को ज़्यादा संभाल प्यार लाड से रखते हैं ना, वही ज़्यादा बीमार होते हैं। और ये ऐसे ही खड़े यहाँ पे घूम रहे हैं, ना इनको डर है ना इनको कोई परेशानी है, इनसे बात करके अच्छा लगा और खुश हैं ये, इनको चिप्स कुरकुरे मिल गए खाने के बाद, तो आप ये देख सकते हो इनके फेस से आपको खुशी जाहिर हो रही होगी। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ खाया और खाने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं। ये हमारा लास्ट डे था आज, तो हम चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू फॉर विजिट अगेन, ये चिटकुल विलेज का बोर्ड है, और यहाँ से अभी हम जाएंगे नारकंडा शिमला, और उसके बाद फिर दिल्ली। और काफ़ी अच्छा लगा चिटकुल विलेज में, अगर आपको घूमने जाना है तो आपको एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, मनाली शिमला तो दुनिया जाती है, वहाँ पे तो क्राउड इतना हो गया तो आपको लगेगा ही नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। बट ये ऐसी जगह है जहाँ आपको आपको शांति, सुकून, सस्ता, ब्यूटी सब मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और आपका कुछ सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हर हर महादेव।